क्षेत्र में तीन बाइक सवारों को एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसमें से एक की मौके पर मौत हो गई, दो गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के सबको कब्जे में लेने के बाद सबका पोस्टमार्टम कराया। वहीं घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। यहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। बता दें कि सड़क हादसा थाना आचा क्षेत्र के इकरी और लायकपुर के पास हुआ था। थाना अलीगंज जनपद एटा के ग्राम भग्गू मौजा रुस्तम नगर निवासी 35 वर्षीय धर्मेंद्र सिंह अपने साथी बलवीर और नारायण के साथ बाइक पर सवार होकर थाना ओछा क्षेत्र के ग्राम चिगना में कुंड सराने के लिए गए थे, जिसके बाद वापस आते समय जैसे ही थाना ओछा क्षेत्र के इकरी और लायकपुर के समीप पहुंचे, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ट्रैक्टर को लापरवाही से चलाते हुए बाइक में टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही धर्मेंद्र की मौत हो गई। वहीं बलबीर और नारायण गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के सबको कब्जे में लेने के बाद सबका पोस्टमार्टम कराया और घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। यहां चिकित्सकों की ओर से गंभीर हालत को देखते हुए दोनों को उपचार के लिए सैफई रेफर किया गया। घटना के बाद से पूरे परिवार में कोहरा मचा हुआ है। ये मृतक आपके कौन है? अच्छा, ये क्या घटना हुई? तो ये किससे थे, मतलब किस वाहन से थे? वाहन पे और कौन था? अकेले थे और साथ? और तीन आदमी थे। तो सैफई भरती है ये किस थाने की बात है? थाने में।